देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 3, 15, 35, 63, 99 और अगला क्वेश्चन मार्क, चार ऑप्शन भी आपके सामने है, तो यहाँ कौन सा अंक आएगा, तो कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 कैसे आ सकता है, फिर 15 कैसे आ सकता है, तो थोड़ा सा अंदाज लगाइए इसको, थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि 4 चौक 16 में से एक कम 15, ठीक है, ये 35, 36, 4 चौक 6, 6 36 में से एक कम है ना, तो 2 दुनी 4 में से एक कम, बिल्कुल आइडिया लग रहा है। तो देखो पहले अंक के लिए आइडिया लगाएंगे, देखो इस पहले अंक के लिए आइडिया लगाएंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 दुनी 4 में से एक गया तो 3 बन गया। इसी 15 के लगाएंगे कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी सम संख्या जा रही है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 6 है ना, 6 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 12 है ना। देखते हैं 2 दुनी 4 चौक 16 में से एक गया तो 15 बचा, ये भी सही है ना। 35 को देखते हैं 6 का आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6, 6, 36 में से एक गया तो 35 बिल्कुल सही है। इसी तरह ये सम संख्या आ रही है ना, 6 के बाद कौन सा आएगा, 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 औंटी 64 में से एक गया तो 63, ये भी सही है। इसके तरह 8 के बाद क्या आएगा, 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 दाम 100, 100 में से एक गया तो 99 है ना। इसी तरह अपन 12 का लास्ट वाला अंक आएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 1, 12 12 144 में से एक गया तो 143 बचा, तो 143 कौन सा ऑप्शन मिला, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, तो ये आपके सुन में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।